सरकारी स्कूलों को काफी बदलने के दावे आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। इसकी असलियत क्या है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। कैसे बच्चों को इन स्कूलों में कंट्रोल किया जा रहा है और कितनी पढ़ाई इन स्कूलों में हो रही है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बाहरी दिल्ली के नरेला एरिया के कुछ स्कूल। ये है दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी क्लस्टर एरिया के पास बना दिल्ली सरकार का सेकेंडरी स्कूल। यहाँ देखिए काफी ऊंची दीवारें बनी हुई है, उनके ऊपर तारे भी लगाई गई है, लेकिन स्कूल के बच्चे किस तरह दीवारें फांदते हैं, कितनी खतरनाक स्टंट करते हैं, जिंदगी का रिस्क उठाते हैं। आप देखिए कैसे ये बच्चे बिल्डिंग में बनी एक बाथरूम की खिड़की से बाहर आते हैं, बाथरूम की टूटी हुई खिड़की से और फिर तारों की ग्रिल को लांघते हुए दूसरे स्कूल की ग्रिल पर पहुंचते हैं। ये दीवारें करीब 12 फुट ऊंची हैं। इन दीवारों से कोई बच्चा इस तरह लांघते हुए गिर जाए तो उसकी जान का रिस्क है। कभी भी कटीले तारों में उलझकर बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं, लेकिन एक दो नहीं, देखिए पूरे दर्जन से ज्यादा बच्चे कैसे तारों को लांघ रहे हैं। यह तो एक वक्त का नजारा है जब हमारा कैमरा पहुंचा है। यह कार्य पूरे दिन जारी रहता है। सवाल उठता है, क्या इस वक्त स्कूल में कोई गार्ड नहीं है, स्कूल में कोई टीचर प्रिंसिपल नहीं है जो इन्हें रोक सके, या किसी बच्चे की जान जाने के बाद रोकने का कार्य शुरू किया जाएगा। यह देखिए हालत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। जब इस बच्चे को लेकर हम अंदर गए और उसे दीवार फांदने पर कहा, यह खतरनाक रिस्क उठाने का कारण पूछा, तो देखिए क्या बताया। यही हाल नरेला के सिंगो बॉर्डर रोड पर बने डीडीए के ग्राउंड के स्कूल का है। 10 फीट ऊंची दीवार को छात्र कैसे लांघ रहे हैं, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ये हमने आपको दो स्कूलों के हालात दिखाए हैं, वह भी एक ही एरिया के। यदि आप दिल्ली के अलग अलग एरिया में जाकर देखेंगे तो हर एरिया में आपको इस तरह के कई स्कूल मिल सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ऐसी व्यवस्था का कब सुधार करते हैं या सिर्फ विज्ञापनों में ही काम दिखाई देंगे। किसे मांगी छुट्टी? प्रदीप राणा, अभी स्कूल लेके चलेंगे आपको, छुट्टी मांग के आए हो ना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता? मैं स्कूल छोड़ना चाहिए, मैं आज वैसे भी गोली बता है? गोली बता आज। गोली पे? गोली क्या होती है? स्कूल के बाहर। अच्छा, स्कूल गए ही नहीं आज? ये इतनी ऊंची दीवार फांदते हो सर? मैंने कुत्ता, वो जो और बच्चे कूद रहे थे, कूद रहे उन लोग वहाँ पर, मैंने कुत्ता बस। हाँ, तो वो जो तार अगर लग जाए तो आपकी आप लोगों को? सर जी मैं कूदा नहीं, पहली बात जल्दी उधर से ना, मैं जाता उधर से। और लोग जुआ खेलते यहाँ पे आके, ये रोज ही ऐसे कूदते बैठा होते हैं ये लोग। खिड़की में, वहाँ पे खिड़की टूटा हुआ है, वहाँ पे सब गोली हो जाता है, भाग जाता है, और यहाँ पे आके जुआ खेलता है। बच्चे छोटे बच्चे सब, ये जो जो क्लास के ना, नंबर वन नंबर टू को सब खेलते हैं। खिड़की में देखो, उसमें से ही करते हैं ये जो बच्चे, सब खेल लेते हैं सब बच्चे। क्या करते हैं बच्चे? जुआ खेलते हैं, ऊपर से उतरते हैं, नीचे कैसे खेलते हैं? जुआ जुआ ऐसे ऐसे, और जो ताश नहीं होता है, ताश से ऐसे ऐसे खेलते हैं, उससे खेलते हैं। हम लोग का चिंताएं करते हैं। तो तुम क्या करते हो यहाँ पे? हम लोग अपना झूलने आते हैं, हम लोग का घर वहीं पे, वो टाइम पास करने आ जाते हैं। स्कूल स्कूल नहीं जाते तुम? हम लोग स्कूल जाते हैं। तो आज गए नहीं तुम? नहीं। क्या होती है छुट्टी? हमारी तो 12 बजे से हो जाती, 12 या 12 बजे। अच्छा, छुट्टी का पता नहीं कितने बजे होती है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में। पोएम कितने तक आती है? कौन कौन सी पोएम आती है? काउंटिंग आती है? हाँ। कितने तक? 1000 तक आती है। अच्छा, क्या नाम है क्लास टीचर का? मैं सर। क्या पढ़ाया आज उन्होंने? आज मैं ना वो हिंदी का ना रिमझिम के पार्ट में था ना, खिलौने खोले खिलौने है ना, खिलौने का पार्ट पढ़ाया था और लाइब्रेरी में ले गए थे। किस सर ने कहा? हमारे वाले। 1 बजे छुट्टी होती है, तो कहाँ से आए हो अभी? अभी स्कूल से। छुट्टी तो अभी तो 1 बजा ही नहीं है, जल्दी छुट्टी कर देना मैम ने पैदल वालों।